17वीं शताब्दी में रूस और चीन के बीच जमीन के लिए जो झड़पें शुरू हुई थी उनमें अमूर नदी की अहम भूमिका थी। अमूर नदी रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी चीन के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है। इसे दुनिया की 10 सबसे लंबी नदियों में गिना जाता है। यह नदी पश्चिमी मंचूरिया की पहाड़ियों में शिल्का नदी और अर्गुन नदी के मिलने से बनी है। यहाँ से यह पूर्व का रुख करते हुए चीन और रूस के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है, फिर आखिर में उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए प्रशांत महासागर के ओखोत्स्क सागर के पास तरतरी स्ट्रेट में गिर जाती है। बाईं ओर से मिलने वाली जेया, बुरेया और अमगुन नदी, जबकि दाईं ओर से मिलने वाली सोंगहुआ और उस्सुरी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शामिल है।